हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स स्टडी एंड क्राफ्ट विंड। आज मैं आपको नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए बेसिक्स पैटर्न बताऊंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पार्ट सेकंड है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने पार्ट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लिंक में क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कर्व लाइन के बारे में, जो कि घूमी हुई लाइन होती हैं। ये फोर टाइप्स की होती हैं, डाउन, नेक्स्ट है अप, राइट एंड लेफ्ट। इनकी प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को डॉट्स दीजिए और उन्हें उन डॉट्स को ट्रेस करने के लिए कहिए। आप इस वीडियो में साफ ही दिख रहा है कि ये किस लिए यूज होती होंगी, अक्षर, लेटर या नंबर बनाने के लिए। इससे पहले तो सबसे पहले अक्षर हमारा बनता है, छोटे अनार ही सबसे पहले बनता है। इसी तरीके के जो घूमे हुए अक्षर, लेटर या नंबर्स होते हैं वो इनसे बनते हैं। अगर बच्चों को डॉट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे डैश भी दे सकते हैं, डैश में अच्छी प्रैक्टिस होती है बच्चों की। अगर आपके बच्चों ने नॉर्मली डॉट्स फिल करना या उन्हें ट्रेस करना सीखा है तो इनको इजीली कर सकते हैं वो। ये थी हमारी कर्व लाइंस। नेक्स्ट है जिगजैग। जो कि इस तरीके की होती हैं। इसे सिखाने के लिए भी डॉट्स और डैश आप दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप डैश दीजिए क्योंकि उसमें बच्चे इजीली ट्रेस करते हैं इसे। आप अपने बच्चों को घर पे इनकी प्रैक्टिस कराइए, जिससे कि वो स्कूल में जैसे एडमिशन लें उसके बाद अच्छे से अपना वर्क करें, गुड हैंडराइटिंग बनाएं। उसके लिए ये सब पहले करना ज़रूरी होता है। अगर ये सब नहीं सीखते बच्चे तो ये बेसिक्स जितने होते हैं अगर नहीं सीखेंगे तो बाद में उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो जाती है, वो डॉट से इधर ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख देते हैं। अब मैं पेंसिल की हेल्प से इन्हें फिल करके दिखा रही हूँ आपको, और आपको इसी तरीके से फिल करके बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि बीच से उठाया कहीं भी लेके गए, वन साइड से स्टार्ट करना है, वन डॉट से लास्ट डॉट तक जाना है। आप ये लेफ्ट और राइट कर्व के लिए टू डॉट्स भी बच्चों को दे सकते हैं, बस उसके लिए बच्चों को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट आती है जिगजैग। तो मैं जिगजैग के डॉट्स फिल कर रही हूँ। ये बहुत इजी होते हैं, ये तो सीधे सीधे डॉट्स होते हैं ना, बच्चे फिल करना भी बहुत पसंद करते हैं। आप इन्हें बच्चों को बोलिए बिल्कुल भी आपको पेंसिल उठानी नहीं है, एक ही साथ पूरा जिगजैग फिल करना है, सारा एक साथ ही ट्रेस करना है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।